हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेएल प्रेरणा की क्लास नंबर 23 में आप लोगों का स्वागत है, जहां पर अपन लास्ट 3 लेक्चर्स पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्स्ट्राज में जो आपको देखनी है, जो स्ट्रक्चर्स के अलावा जिन चीज़ों पर क्वेश्चंस आए हुए हैं जेएल प्रेरणा पर, वो अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। क्लियर है? तो जो लोग भी नए जुड़े हैं, क्लासेज आपकी मंडे से सैटरडे दोपहर 3 बजे रेगुलरली रहेगी। क्लासेस रिकॉर्डेड है, इसलिए कमेंट सेक्शन पर अपने डाउट आप छोड़ दिया करें, मैं उसको अटेंड कर लिया करूँगी। क्लियर है? और कुछ लोग हैं जो रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं और उनको वास्ट में प्रॉपरली पढ़ना है, तो उनके लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी जानकारी मैं लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में आपको दे दूँगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के लिए आपको पिछले 3 लेक्चर पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है भाई, ये मतलब मैंने बेस बनाया है और आज का लेक्चर पिछले 3 लेक्चर पर है। तो जो लोग भी नए आए हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, आज अभी का लेक्चर ले लो जितना आ रहा है, ठीक है? और नहीं आ रहा है ना, तो वो डेफिनेटली इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 20, 21 और 22 वाला लेक्चर आपने नहीं लिया है। तो आप इसके बाद जाकर अपने प्लेलिस्ट में जाकर तीनों लेक्चर्स ले लेना, फिर इसको देखना, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो चलिए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आज का लेक्चर अपन ले रहे हैं। कल तक का लेक्चर अपन ने थ्योरी के हिसाब से लिया था, ठीक है? तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आप सिर्फ नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन यहाँ पर नोट करने वाले हैं, ठीक है? पढ़ा क्या क्या अपन ने? सबसे पहले तो पढ़ा अपन ने है प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये तीनों, और प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है? तो ये 6 टेंसेज अपन ने पढ़े हैं, इनसे रिगार्ड इनके रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पिछले 2 लेक्चर में है। क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किन अर्थों में इनका यूज़ होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कंपलसरी है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद यही आएगा, ये सब चीज़ें पिछले लेक्चर तक बता दिए। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, वो मैक्सिमम मैंने पहले भी बोला था, करीबन 70-75% क्वेश्चन आपके स्ट्रक्चर्स में से ही आने हैं। अब अपन जो कर रहे हैं वो बचे हुए 20-25-30% के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो वो अपन अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करना कि एक जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उसको आप नोट कर लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा से आपको जरा सी चीज़ें नोट करनी है, आप इसे नोट करो, जिद्दी नहीं करना अभी एग्जाम्पल दो तो ये दो ये वो, सब क्लियर हो जाएगा, आप बस पढ़ लो, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है? फटाफट से देख लो, नहीं तो ये सब एग्जाम्पल वगैरह देने में ही अपने एग्जाम के क्वेश्चंस तक अपन पहुंच नहीं पाते, ठीक है? अपन सबसे पहले देख लेते हैं कीवर्ड्स इनडेफिनेट टेंसेस के, ठीक है? कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड जैसे कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई आपको ऐसा देगा नहीं, कीवर्ड्स में सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ। कीवर्ड्स जहां पर मैं बोलूँ मतलब एक हेल्प कर देती हूँ मैं आपको, कि कुछ शब्द अगर आप देख लेते हो तो आपका माइंड चला जाना चाहिए कि ये 12 टेंस हैं, इन 12 टेंस में से आप कौन सा टेंस कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है आपके कुछ कीवर्ड्स पर, कुछ तो आपको अपना एनालिसिस करना होता है, और कीवर्ड जहाँ देख लो वहाँ आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि मुझे यही करना है, ये मतलब एक शॉर्टकट आपको दे रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर कीवर्ड्स। अगर आप देख रहे हो कुछ लिखा है ऐसा एवरी प्लस टाइम, अरे एवरी प्लस टाइम, टाइम मतलब क्या, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, है ना, एवरी संडे, मंथ, मई, ईयर, कुछ भी ईयर, कोई भी टाइम, ठीक है? तो ये, उसके अलावा कोई वर्ड डेली या फिर रेगुलरली, रेगुलरली, है ना, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये आपको शो करते हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट करती हूँ दूसरे सेंटेंस से, दूसरे कलर से, ये हमेशा आपको शो करेंगे कि इनडेफिनेट टेंस ही आएगा भैया। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या बोल रहा है, अगर वो है ता है बोल रहा है या है बोल रहा है तो आप प्रेजेंट इनडेफिनेट पर जाओगे, अगर वो बोल रहा है था तो पास्ट इनडेफिनेट पर जाओगे, होगा बोल रहा है, करूँगा बोल रहा है तो फ्यूचर इनडेफिनेट पर जाओगे। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें दिख जाती हैं जो रेगुलरिटी शो करती हैं, जो रिपीटेशन शो करती है, एक पीरियड ऑफ टाइम शो करती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट
एक्शन जो बार बार होती है, ऐसा कुछ शो हो रहा होता है तो ये वर्ड्स ऐसे कुछ आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑप्शंस में आपको इनडेफिनेट टेंसेस का सर्च करना है। इनडेफिनेट टेंस तीन ही तो है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के स्ट्रक्चर तुमको रटे हुए पहचान में नहीं आएंगे क्या तुमको? ठीक है, आ जाएंगे। अब कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मैम अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट भी लिखा हो और पास्ट इंडेफिनेट भी लिखा हो तो, या ऐसा कोई तीन में से कोई दो लिखा हो या तीनों ही लिखा हो तो अब हम क्या कर लेंगे? अरे भाई फिर आपको फिर सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो अगर वो है तो पहले उसको राइट लगाओ, वो नहीं है तो पास्ट इंडेफिनेट सही होगा, वो नहीं है तो फ्यूचर इंडेफिनेट सही होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके के रेगुलरिटी वाले वर्ड्स आते हैं तो उसके आंसर्स अपने को इंडेफिनेट टेंस के रूप में सर्च करना है। और उसमें भी वैसे तो जो मैं आगे बोलने वाली हूँ ना, ऐसा कभी अपने एग्जाम में तो हुआ नहीं है, पर फिर भी जो लेवल अप एग्जाम्स रहती हैं उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स देते हैं, जानबूझ करके डाउट्स डालते हैं, तो मैम तीनों आ गए तो दो आ गए तो क्या करें, पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट दोनों ही इंडेफिनेट है क्या कर दें? ठीक है, तो ऐसे में फिर आप ध्यान रखना कि मैम ने हमको एक सीक्वेंस में पढ़ाया है, उसी सीक्वेंस में प्राथमिकता देनी है, उसी सीक्वेंस में आंसर देनी। ठीक है, अब एवरी वीक लिख दिया उसने और फिर उसके बाद वो उस सेंटेंस में ऑप्शंस में ब्लैंक मारा उसने और ऑप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनेट का भी ऑप्शन दे रहा और पास्ट इंडेफिनेट का भी, क्या लगाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाना। अच्छा, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट दे रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट लगाना, जो पहले आया उसको लगाना। क्लियर है? ये तो मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, एक लेवल जो ज़्यादा लेवल के एग्जाम्स होती है वहाँ वो लोग इस तरीके से परेशान करने की ऑब्वियसली बात है कोशिश करते हैं, लेवल है उसका उस एग्जाम का, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा हुआ नहीं है, है ना? फिर भी मैं आपको एक प्रिपरेशन, अपने माइंड में प्रिपेयर रहना कभी कुछ ऐसा होगा तो। क्लियर, तो पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि अगर इस तरीके के शब्दों को आप देख लेते हो तो आपको इंडेफिनेट टेंस ही लगाना है वहाँ पर, चाहे वो कॉमन एरर हो, चाहे वो आपका खासकर फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्योंकि कॉमन एरर में तो चलता है, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट अपने को क्या करना। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो फ्यूचर होगा, तो एरर में तो ठीक है अपन सब चीज़ें राइट हो सकती हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक में आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी चल रहा हो आपको वही वाला टेंस लगाना है जो वहाँ पर इन तीनों में से हो, या फिर इन तीनों में से भी आपको फिर प्रायोरिटीज देनी है। क्लियर है? तो इसका स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हल्के में लेना है ना, चीज़ों को हल्के में लेना, ये कोई बहुत टेंशन लेके नहीं बैठना है। ये बात नहीं भी पता होगी ना तुमको तो भी तुम क्वेश्चंस कर लोगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पर मैं कुछ शॉर्टकट्स बता रही हूँ जहाँ पे आपको बैठ के ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा आप क्या आप क्या, तो कुछ चीज़ें देखते ही समझ में आएंगी कि क्या करना है, बस वो हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, बड़े आगे इसको हटा रही हूँ। चलो अब मैं आपको सेकेंड पॉइंट बताती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी बार इंपॉर्टेंट बोला तो कुछ बात होगी। ठीक है, अब मैं आपको कीवर्ड दे रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के, इसके पहले काय के कीवर्ड दिए थे पूरे इंडेफिनेट टेंस के, उसमें तीनों ही आ गए थे, इसके पहले जो कीवर्ड दिए थे वो पूरे इंडेफिनेट टेंस के दिए थे जिसमें तीनों ही आ गए थे, अब मैं आपको कीवर्ड्स दे रही हूँ पास्ट इंडेफिनेट के। ध्यान रखना यही वो शब्द हैं जो आपको कन्फर्म कहेंगे कि भाई कोई भी मीनिंग आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि कोई पास्ट परफेक्ट में भी जा रहा है या कुछ ऐसा भी जा रहा है कि कोई और टेंस लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग आ गए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही लगाना है, मतलब ये कन्फर्म वाले वर्ड्स हैं। जैसे अगर आप अगो, अगो यानी क्या होता है पहले, अगो यानी क्या होता है बोलते ना कि दो साल पहले, टू ईयर्स अगो पहले, ठीक है ये वर्ड है हुआ, या कोई पुराना साल हुआ जैसे इन 2000, इन 1919, ठीक है इस तरीके से कोई पुराना साल हो गया, या फिर यस्टरडे हुआ है ना, और या फिर लास्ट प्लस टाइम लिखा हुआ है। टाइम मतलब अभी मैंने बताया ना लास्ट वाले पॉइंट में, फर्स्ट वाले पॉइंट में, टाइम मतलब क्या, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, लास्ट जून, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी टाइम लिखा हो किसके बाद, लास्ट के बाद, ये आप स्नैपशॉट ले लो। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने कवर हो जाते हैं एमपीएसआई वालों के लिए भी और जेल प्रहरी वालों के लिए भी। पहले इसका स्नैपशॉट लो फिर मैं बात करती हूँ, इसमें स्नैपशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, यहाँ पर बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये वर्ड्स आपको कन्फर्म बोलेंगे अगर ये दिख गए, मतलब कुछ भी चल रहा हो पास्ट इंडेफिनिट, अगर ये दिख गए मतलब वी टू, अगर ये दिख गए मतलब डिड वाला ही टेंस आएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब वाला 101%। देखो जैसे मैंने लिखा कि, जैसे मुझे बोलना है कि मुझे एक लेटर मिला,
मुझे एक लेटर मिला। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, आई रिसीव्ड अ लेटर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है याद आया तुमको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है ना, फर्स्ट तो रिसीव होगा ठीक है, और बाकी का ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर कौन सा? सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल हो सकता है। जो कार्य भूतकाल में हुआ, आई रिसीव द लेटर, मुझे एक लेटर मिला। या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मिला है, हो सकता है अभी अभी मिला हो, तो अपन इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। वो मैं लिख के नहीं बता रही, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट आगे आएगा, है ना। क्यों बोल दिया मैंने, गुस्सा हो गए होगा कि जो पढ़ाया ही नहीं वो बोल दिया, ठीक है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं टेंस वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दो इस चीज़ को। लेकिन जो जानते हैं उनसे बात कर रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हो इसको, आप पास्ट परफेक्ट में भी लिख सकते हो, था लगा दिया तो, ठीक है। तो इतने सारी स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हो। लेकिन लेकिन अगर मैं इसी चीज को जरा सा आगे बढ़ा दूं, अ वीक अगो, एक सप्ताह पहले मुझे लेटर मिला। अब इसके अलावा अगर तुमने कुछ और लिखने की कोशिश की, सब गलत हो जाएगा। किसकी वजह से? उसकी वजह से। बस ये मैंने कहना है कि ये जो वर्ड्स अगर आपको दिख जाते हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा हो, चाहे एरर्स चल रही हो, आपको सबसे पहले चेक करना है पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं वो वाला वाक्य। अगर पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, सीधा गलत करना है उसको, कुछ नहीं सोचना है, क्लियर है। चलिए देख लीजिए आगे का, इसका स्नैपशॉट ले लो भैया, और इसको ज़्यादा अच्छे से लिख लेना। पहले वाला पॉइंट भले ही नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ध्यान रख लोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको तो आपको ध्यान रखना ही है, लिखना ही है। ये दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जेल प्रेडी वाले और अपने एसआई वाले, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसको मैं हटा रही हूँ, स्नैपशॉट ले लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, थर्ड पॉइंट उठाते हैं फिर। फ्यूचर इंडेफिनिट का कीवर्ड कुछ नहीं होता भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट का कीवर्ड कुछ नहीं होता। अगर नेक्स्ट प्लस टाइम, अरे ये तो पता है यार, ये सिर्फ मैं एक फॉर्मेलिटी कर रही हूँ। नेक्स्ट प्लस टाइम है तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1, अपना फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया ना मैंने आपको, वो लगेगा कब? नेक्स्ट प्लस टाइम मतलब वी डैश गो टू पिकनिक नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट के बाद टाइम है, इसका मतलब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट लिखना है। तो मतलब अगर ये वर्ड मैंने लिख दिया विल गो गोज वेंट, ठीक है, ये मैंने चार ऑप्शन दे दिए, आपको सीधा इस पे राइट लगाना है विल गो, ठीक है। तो इस तरीके की मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, अभी सब आ जाएगा आपको समझ में, क्वेश्चन आप धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू हो ही रहे हैं, है ना, क्लियर है। तीसरा पॉइंट आप स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद मैं अगली बात बताती हूँ आपको। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप के कुछ कीवर्ड्स हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आप एट प्रेजेंट लिखते जाना, हाँ, एट प्रेजेंट, दीज डेज, एट दिस मोमेंट दिस लिखा है मैंने, इसको मैं प्रॉपर कर देती हूँ आपके लिए, दिस मोमेंट, नाउडेज, ठीक है, और डे बाय डे, डे आफ्टर डे, सबके मीनिंग भी बता देती हूँ, ये नोट कर लो, ठीक है। एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में, एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, ठीक है। दीज डेज इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, एट दिस मोमेंट इस क्षण अभी इसी वक्त, एट दिस मोमेंट इस क्षण इसी वक्त अभी, नाउडेज आजकल, डे बाय डे दिन ब दिन, डे आफ्टर डे दिन पे दिन, नाउडेज आजकल, डे बाय डे दिन ब दिन, डे आफ्टर डे दिन पे दिन। ये लोग जब भी आते हैं आपका टेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, इज एम आर आई एन जी, कोई सा भी दूसरा टेंस यूज नहीं करना। देखो मैंने बोला कि वो स्कूल नहीं जा रहे, तो आप, या वो स्कूल नहीं जाते, जाते हैं मतलब ते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कैसे लिखोगे आप? दे डू नॉट गो टू स्कूल, ऐसे लिखोगे ना, वो स्कूल नहीं जाते हैं, ते हैं आया मतलब
आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, सही बोल रही हूँ? आप ऐसे लिख दोगे। लेकिन अगर मैंने इसके आगे एक वर्ड लगा दिया नाउ डेज, आजकल स्कूल नहीं जाते हैं, आपका ये पार्ट पूरा गलत हो जाएगा और क्या आ जाएगा, aren't going। किसकी वजह से हुआ ये सब? इसकी वजह से। मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी आप इन वर्ड्स को देखेंगे, जब भी आपको इन वर्ड्स को देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आना है। इस पॉइंट को नोट कर लो, स्नैपशॉट ले लो फटाफट से, हो गया। इसी के साथ एक और बात याद रख लेना, यहीं पर बता देती हूँ आपको, यहाँ पर मैं इसको हटा रही हूँ, है ना, इतना इतना पार्ट हटा रही हूँ। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, इसी में फोर्थ में ही बता रही हूँ, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का भी यही स्ट्रक्चर है, डे बाय डे, डे आफ्टर डे और दोज डेज। ये तीनों किसके हैं? पास्ट कंटिन्यूअस के, मतलब वॉज वर प्लस ing। अभी मैंने क्या बोला, वो स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन नाउ डेज लगा दिया था तो फिर वो गलत हो गया था, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को हटा के कंटिन्यूअस लग गया था। अगर मैं बोलूँ वो स्कूल नहीं जाते थे, तो जैसे ही आपने ते थे सुना, तुम बताओ ना तुम क्या बनाओगे, मेरे वाक्य को ध्यान से सुनो, वे स्कूल नहीं जाते थे, जैसे ही आपने ये सुना आप सीधा ये लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, यही लिखोगे ना, वे स्कूल नहीं जाते थे। सुनो और देखो, सही बोलियो? लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ दिया दोज डेज, तब आपका ये पूरा पार्ट गलत हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, वरंट गोइंग, इसकी वजह से, समझ रहे हो? तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वाले, ये जब आप देख लेते हो तो आप, अच्छा ये कॉमन है ना, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ सकता है इनमें, इसकी और इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में से कुछ भी आ सकता है, जो भी आ जाए, ठीक है, जो भी, दोनों में से जो भी लिखा, लेकिन आएंगे कंटिन्यूस, ठीक है, क्लियर है, आएंगे कंटिन्यूस ही, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इसमें ये दोनों कॉमन है, बाकी दोज डेज में सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस आएगा और बाकी वो जो पहले लिखे थे ना उसमें सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, क्लियर है? तो इसका स्नैपशॉट ले लो, ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं और लास्ट पॉइंट है ये, समझ लो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी अपन व्हाइल का यूज़ करते हैं, व्हाइल, जब, ठीक है, जब या जबकि, तो याद रखना कि व्हाइल के बाद वाला मैक्सिमम, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना मैं, पॉइंट ये याद रखना, मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मुझे कैसे भी करके आपके क्वेश्चंस के आंसर सही करवाने हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। आप डीप में जाके अगर सर्च मारेंगे तो ये चीज़ें, ये भी हो सकती है और कोई और भी चीज़ें हो सकती है, जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा भी हो सकता है, ये तो हो गई, जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आज तक कोई सी भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं और वो लोग किस प्रकार से आपसे आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो मानते हैं, उस हिसाब से बता रही हूँ, है ना। तो बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने को बस आंसर सही करना, ठीक है। तो जब भी व्हाइल आता है तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस ऐड करना है। कहने का मतलब, जैसे मैंने लिखा, देखो, जैसे व्हाइल ही सिंग्स हिज ब्रदर वॉज कुकिंग फूड, ठीक है, उसका भाई खाना बना रहा था जब वो गा रहा था, बोल रहा है वो ऐसा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कुछ सेंटेंस आता है और आप हिंदी निकालो तो भी आपको नहीं जमता है, उसका भाई गाना गाता है जब उसका भाई खाना बना रहा था, ये कैसा लग रहा है, उसका भाई गाना गाता है जब उसका भाई खाना बना रहा था, उसका भाई गाना गा रहा था, वो गाना गा रहा था जब उसका भाई खाना बना रहा था, अभी समझ में आ रही है मेरी बात? व्हाइल के बाद ये चीज़ गलत हो गई, क्या लिखोगे, ही वॉज सिंगिंग, जब वो गा रहा था उसका भाई खाना बना रहा था, जब वो गा रहा था उसका भाई खाना बना रहा था। कहने का मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्हाइल के, काफ़ी क्वेश्चन जेल प्रेरी के देखे हैं जहाँ पर
वाइल आया हुआ है और वहाँ पर आपका पास कंटिन्यूस ही एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे। नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पर यह वाला फंडा चलता है, लेकिन ये 200% बात नहीं है। कभी 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 दूसरा टेंस भी आ जाता है जो पास्ट इंडेफिनेट है, लेकिन वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ना चाहती, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको जो बोला है बस उसका ध्यान रखना कि वाइल आ रहा है और चीज़ें पास्ट में जा रही है। दूसरे सेंटेंस की दूसरा सेंटेंस देखो, ये वाला पास्ट में जा रहा है, तो चीज़ें अगर पास्ट में जा रही है तो इसका मतलब वाइल के बाद वाला सेंटेंस आपको पास्ट कंटिन्यूस में लेकर के जाना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पाँचवें इसका स्नैपशॉट ले लो भाई, पाँचवें सेंटेंस की दूसरी बात भी बता देती हूँ, इसका स्नैपशॉट ले लेना। ठीक है, चल अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, याद आ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, सब पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। कंटिन्यूस इज इक्वल टू फ्यूचर इनडेफिनेट, ये क्या बोल दिया मैम आपने, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा। देखो सब कुछ जो पढ़ा है वो वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हो गया, घबराना नहीं कि नई बात क्या कर दी। अब मेरी बात बस इतनी सुन लो कि कभी कभी फ्यूचर इंडेफिनेट जो होता है ना, जो जो सिंपल फ्यूचर होता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सिंपल जो फ्यूचर की बातें होती है ना, जो आप करने वाले हो आगे, आपने प्लान कर रखा है कल इतने बजे मैच होगा, कल मैं इतने बजे पढ़ाई करूंगा, ठीक है परसों अगले वीक में ऐसा करूंगा, मई में मैं ऐसा करूंगा, तो आप सिंपल एक चीज़ जो डिसाइड करके रखते हो ना टाइम टेबल, उसको जब आप फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखोगे ऑब्वियसली बात है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में या प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लिख रहे हो तो भी उसको सही माना जाएगा, वो गलत नहीं है, तीनों इक्वल है। ठीक है, तीनों इक्वल मतलब ये दोनों इसके इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब अगर किसी ने नेक्स्ट वीक लिख दिया या अगर किसी ने कुछ भी लिख दिया नेक्स्ट मंडे वगैरह वगैरह वगैरह, और आगे उसने लिखा है आई गो टू स्कूल, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, तो आप उस नेक्स्ट मंडे को देख के आप इसको उड़ाओगे क्योंकि मैम नेक्स्ट लिखा है फ्यूचर है तो विल गो आएगा, नहीं। अगर उसने प्रेजेंट इंडेफिनेट डाला है तो वो भी इक्वल टू फ्यूचर इंडेफिनेट माना जा सकता है, मैं बस इतना कह रही हूँ। ठीक है, गलत नहीं है, बस इतना कह रही हूँ, गलत करना नहीं, जबरदस्ती लिखे हुए को गलत नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है यार, अपन ने अलग से पढ़ा है तो फ्यूचर इंडेफिनेट ही माना जाएगा, लेकिन अगर ये लिखा है तो गलत नहीं करना है, अगर ये लिखा है तो गलत नहीं करना है, बस इतना बोल रहा हूँ, समझ गए। तो इस फ्यूचर इंडेफिनेट के अर्थ में आप प्रेजेंट इंडेफिनेट का या प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर लिख सकते हो, उस लिखे हुए को गलत नहीं करना है। अगर फिल इन द ब्लैंक आ गया तो मैम, अरे फिल इन द ब्लैंक आ गया तो प्रायोरिटी किसकी, सबसे पहले आप इसी को प्रायोरिटी दोगे ना, ये स्पेशली उसके लिए बना है। सेकंड प्रायोरिटी इसमें या इसमें, जो भी पहला आया सेकंड प्रायोरिटी आप समझ लो इसको दे दो, अभी ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं ना एग्जाम में। ठीक है, कभी ऐसा कुछ आ गया तो प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली बात ऐसी की रहेगी ना, यही है आपका मेन, तो यह है तो आप इस पर राइट लगाएं, बाकी को सबको रॉन्ग कर दें क्योंकि फिर आपको प्राथमिकता देने वाली बात आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं है, ये है तो फिर इस पर राइट लगाएं, ये भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, वो है तो उस पर राइट लगाएं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो तीन पर लिखे हुए को गलत नहीं करना, लिखे हुए को जबरदस्ती गलत नहीं करना कि एरर आया, एरर वाला पूछ रहा है वो आपसे, और नेक्स्ट मंथ लिख के आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रहा है, आपने उसको उड़ा दिया नेक्स्ट मंथ देख के, मैम फ्यूचर इंडेफिनेट लिखेंगे हम, तो आप उड़ाएंगे क्यों उसको जब वो बोल रहा है कि मैं तो इसको भी सही मानता हूँ, इसके इक्वली मानता हूँ, तो लिखे हुए को गलत नहीं करना। फिर इन द ब्लैंक आया तो प्रायोरिटी इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ठीक है, जो भी हो आपके ऑप्शन में, सबसे पहले अगर ये है तो फिर इसी को सबके सामने इसी को राइट करना, बाकी सब गलत। ठीक है, फिर ये अगर ये नहीं है तो, फिर ये अगर वो भी नहीं है तो, आई बात समझ में क्लियर है, ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपन ने यहाँ पर 5 पॉइंट सीखे हैं जिसमें 5वें पॉइंट में 2 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए, क्लियर, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लो पहले। अब क्या क्या ध्यान में रखना है, अभी कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ, उसके पहले आपको 10 मुश्किल से 10 क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ 10 में से 10 लेके आना है, अभी तक की पढ़ाई से रिलेटेड है। सबसे पहले छहों की छहों स्ट्रक्चर जो अपन ने पढ़े हैं, है ना, इंडेफिनेट के 3 और कंटिन्यूस के 3, वो याद रहना चाहिए। ठीक, क्लास नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहना चाहिए। ठीक, तीसरी बात, ये 5 पॉइंट याद रहना चाहिए। पहले मैंने कीवर्ड्स दिए पूरे इंडेफिनेट टेंस के, एवरीडे वगैरह ये सब देख लो तो इंडेफिनेट टेंस लगता है, उसमें भी प्रायोरिटीज बता दी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस के कीवर्ड्स दिए और प्रेजेंट कंटिन्यूस के कीवर्ड्स दिए कि इनको देखो तो यही पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस ही लगेगा, वो भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको क्या बता दी है कि वो व्हाइल वाली बात बता दी कि व्हाइल आप देखते हो तो पास्ट कंटिन्यूस के टेंसेस ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये पढ़ लिया कि फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूस टेंस,
तीनों की तीनों इक्वल माने जा सकते हैं, ये तो इसी में बता दिया था मैंने, है ना, क्लियर। उसके अलावा अपन ने पाँच सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में अगो इन 2005 यस्टरडे लास्ट टाइम ये सब अगर आप देखते हो तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, बाकी दुनिया का कोई सा भी टेंस नहीं होगा, ये 100% बात है, इसको आप लिख लो, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट प्लस टाइम है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरीके से ये छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आप अपने आप यहाँ पर ये वेरी लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे। अब यहाँ पर बता दे रही हूँ कि इससे भी ज़्यादा ढंग से पढ़ना है, कंपाइलेशंस के रूल्स वगैरह होते हैं, अगर वैसे तो जेल प्रहरी में कंपाइलेशन का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, जेल डिपार्टमेंट में एक या दो क्वेश्चन कोई कंपाइलेशन रूल पे आए हैं, वो जब अपन सॉल्व करेंगे मैं उसी वक्त बता दूंगी, ठीक है। आपको अगर टेंस ऐसा पढ़ना है पूरे सारे, हमको तो सारे कंपाइलेशन रूल पढ़ने हैं मैम, हमको तो हर रूल पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 5-6 रूल होते हैं वो पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट ऐसे पूरा वास्ट में पढ़ना है, तो करीबन 15 घंटे समझ लो आप उसका पेड कोर्स में अवेलेबल है, आप जानते हैं जो पेड कोर्स वाले, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ और वहाँ में क्या अंतर चल रहा है, तो ये अंतर है, ठीक है। वहाँ पर टेंस टॉपिक लिया है तो उस टेंस को हर तरीके से पहले पूरी उसकी चीरफाड़ कर दी अपन ने 15 घंटे में उसको कवर करा, ठीक है। तो 15 घंटे और 4-5 लेक्चर्स में अंतर होता है, ये जेल प्रहरी का लेवल चल रहा है, तो जेल प्रहरी के एग्ज़ाम कैसे निकालना है बस अपन ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये पढ़ोगे तो आपका इंग्लिश निकल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना किसी भी एग्जाम में, ऐसा ही है जेपी है कुछ भी है, तो वो पेड कोर्स में आपको सब कुछ अवेलेबल है, आप संतुष्ट रहोगे लेक्चर्स से, आपके टॉपिक जो आप उठाओगे ना तो उस टॉपिक में आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी कि ये कम पढ़ा है, आपको ज़्यादा ही लगेगा, वहाँ पर हर टॉपिक आपको कवर करा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बढ़े, तो यहाँ के बाद से अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, रेडी हो, करें स्टार्ट, चलो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, उठाते हैं क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन, ये तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये जेल प्रहरी में आए हुए क्वेश्चन से ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपन ने अभी तक जो पढ़ाई करी वो क्यों करी है वो भी तो पता चलना चाहिए ना, अब एक साथ इतना सारा पढ़ ले और फिर आखिरी में जाएंगे सब भूल जाओ, इसलिए मैंने जो इंग्लिश है अपना जो टेंस है उसको 4 भागों में बांटा, एक इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस से रिलेटेड अभी अपन क्वेश्चन पैटर्न देख रहे हैं, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड एक लेक्चर क्वेश्चन पैटर्न पे लेंगे और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लेंगे और फिर जाके जेल प्रहरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना है, ये शुरू से बोल रही हूँ, चलिए। कुछ लोगों ने तो आंसर्स भी निकाल लिए होंगे, चलो ये जो सेंटेंस है आपको दिख रहा है उसके अंदर कोई एरर है क्या, अगर नहीं है तो नो एरर, आपको आंसर यहाँ पर लगाना है। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम्स अराइजेज इफ द पेरेंट्स अप्रोच, बोल रहे क्या अराइज यानी क्या, उठना या फिर आना, इस तरीके से मतलब बोलते हैं ना यार परेशानियाँ क्रिएट होना, ठीक है, क्रिएट होना, परेशानियाँ क्रिएट हो जाती हैं, परेशानी आना, तो ये बोल रहा है परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स अराइजेज, परेशानियाँ आती हैं, बढ़िया है आती हैं, लेकिन आप इसका आगे नहीं पढ़ोगे ना, आपको यहीं पे अगर इतना भी क्वेश्चन दिया होता आपका यहाँ आंसर आ जाता, आंसर आपका ए है, कैसे मैम, क्या है आपका हीरो कौन है, क्या अराइज होना, ये वर्ब है, मैंने इसकी मीनिंग लिखी है उठना आना क्रिएट होना, ठीक है। अगर ये वर्ब है तो क्या ये वर्ब कौन है इसका हीरो, क्या उठता है, क्या क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम्स आपका सब्जेक्ट है, हीरो। अब इसको देखो ये सिंगुलर है कि प्लूरल, एस लगा हुआ है मतलब प्लूरल है। अब यहाँ पर इसने यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद आ रहा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन एक बात सीखी थी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना अगर बहुवचन है तो, और अगर एक वचन है अगर सिंगुलर है तो V1 में SES लगता है, इन्होंने SES लगाया सिंगुलर के हिसाब से और ये दे दिया प्लूरल। अब भैया या तो S हटाओ प्रॉब्लम अराइजेस लिखो, और अगर इस S को रखना है तो फिर ये है S हटाओ अराइज लिखो, आ रही है बात समझ में, जिनको नहीं आ रही है डेफिनेटली लेक्चर नहीं देखे हैं, अपना लेक्चर नंबर 20-21, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा समरी भी दे दिया, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना तो लेक्चर में जाके पढ़ लेना, पिछले लेक्चर में सब मिल जाएगा, अभी तो अपन ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, या तो प्रॉब्लम अराइजेज लिख दो, तुमको अगर अराइजेज लिखने का ही शौक आ रहा है इसको सिंगुलर बनाओ, और अगर ये प्लूरल है तो इसका ऐसा हटाओ, यही सीखा था अपन ने, हो गया आंसर आ गया। अगला देखते हैं, पॉज करके पहले आंसर दिया करो क्वेश्चन का, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। काम यानी शांत, अकाम सी यानी समुद्र, डो नॉट मेक अ स्किल्ड सेलर, शांत समुद्र कभी भी स्किल्ड, मतलब देखो जितनी मुश्किलें आती है
उतना अपन और पक्के होते जाते हैं ना, पर बिना मुश्किलों के क्या पक्के होंगे, मतलब स्किल्ड सेलर नहीं, सेलर मीन्स नाव चलाने वाले। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि ये डू नॉट मेक, डू नॉट मेक ने अपने को ये बता दिया कि भैया हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब डू नॉट मेक ये तो बराबर दिख रहा है मेरे को, डू है, डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ये सब अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अ काम सी। इधर देखो सिंगुलर है, अ काम सी, एक तो इस ए ने भी बता दिया कि वन की बात हो रही है और सी ने भी बता दिया कि सिंगुलर है, नहीं तो सीज होता। ठीक है, मतलब बात किसकी हो रही है, सिंगुलर की। अगर सिंगुलर की होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू लगता है कि डज होता है भैया, डज लगता है, यहां पे गलती है, डज। जो पूरा सेंटेंस है ना उसमें तो आपका काम सी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के हिसाब से आपका यहां पर वर्ब सही नहीं लगाया गया है, डज नॉट मेक आएगा। क्लियर है, किसको नहीं बात समझ में आई, उसी को नहीं आई है जिसने डेफिनेटली पिछले दो लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसने देखे हैं वो समझ गया पहले ही, मेरे लिखने के पहले ही उसने आंसर यहाँ पर निकाल दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें सब्जेक्ट के हिसाब से आपके वर्ब लगने चाहिए। अगला लेते हैं, चलो देखो इसको, डज योर ब्रदर डैश इंग्लिश। अब फिर देखो ध्यान से यहाँ पर डज कौन सा बता रहा है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यार एक बात, अपन ये क्लास नंबर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर वाली क्लास पढ़ने के लिए भी, क्लास नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाओगे, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि डू डज और डिड जब भी हेल्पिंग वर्ब बन के आते हैं तो इनके आगे आने वाला वर्ब हमेशा प्योर वी वन में होता है, प्योर वी वन। तो ये डू डज आपका हेल्पिंग वर्ब भी है ना, कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आता है, तो ये डज हेल्पिंग वर्ब भी है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब ही है तो आगे आने वाला वर्ब प्योर वी वन होना चाहिए। देखो स्पोकन, ये तो थर्ड फॉर्म है स्पीक का, स्पीक यानी बोलना। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म ये वी वन है, सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक और थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। ठीक है, ये आपका वी थ्री। ठीक, तो वी थ्री दे दिया, हटाओ इसको, आई एन जी दे दिया, प्योर प्योर वी वन नहीं है, ये वी वन तो है लेकिन प्योर नहीं है, आई एन जी लगा दिया, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। स्पीक, ये भी प्योर वी वन नहीं है, वी वन में एस लगा रखा है, प्योर वी वन नहीं बोलते इसको, हटाओ इसको, ये है आपका प्योर वी वन, आंसर आ गया आपका डी। आ गया समझ में, क्लियर है। ये इस पैटर्न के आपके जे एल पी एल के क्वेश्चन होते हैं, ये लेवल होता है आपके जे एल पी एल के एग्जाम्स का। एम पी एस आई सॉरी एम पी एस आई का लोअर लेवल ये होता है, मतलब एम पी एस आई में लो टू मीडियम सभी क्वेश्चन पूछे हैं, सभी प्रकार के, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी पूछते हो, जरा सा ऊपर कंपाइलेशन के रूल्स वगैरह भी आते हैं, आपको पता ही है, सब मैंने ले ही रखा है उसमें कोर्स में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। चल देखिए यहाँ पर, माई ब्रदर डैश हिज टेक्सटाइल बिजनेस लास्ट ईयर। सेंटेंस को फिर आगे से पीछे तक ध्यान से पढ़ो, बिना बिना ऑप्शन के आंसर आ जाएंगे, बिना ऑप्शन का आंसर। मेरे को तो ये लगाना ही नहीं था यार, ये लगाना ही नहीं चाहिए था, मुझे यही पूछ लेना चाहिए था कि भैया यहाँ पर स्टार्ट का, स्टार्ट आपका मेन वर्ब स्टार्ट है, आप बताओ क्या आएगा, कौन सा टेंस आएगा, आपको यहाँ पर टेंस लगाना आ जाना चाहिए। कैसे मैम, अभी आपने हमसे डिस्कस करा कि पीछे लास्ट प्लस टाइम दे रखा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वी टू ही आता है, पास्ट इंडेफिनिटी आएगा, कुछ भी हो जाए, इतनी बार बोला है मैंने, अभी पढ़ाया है क्वेश्चन शुरू करने से पहले। ठीक, मतलब यहाँ पर स्टार्ट अगर आपका वर्ब है तो सीधा आपका ये हीरो है माय ब्रदर, और इसके बाद वी टू आएगा, वी टू मतलब स्टार्टेड आएगा सीधा, अगर मेरा वर्ब स्टार्ट है तो, या जो भी वी टू होगा ऑप्शन में। ठीक है, आपको ऑप्शन आने के पहले ही पता था कि क्या आंसर है, ये नहीं आएगा हटाओ इसको, नेक्स्ट ये नहीं आएगा हटाओ इसको, ये वी टू थोड़ी है, नेक्स्ट ये भी नहीं आएगा हटाओ इसको, आंसर वी टू। मैंने पहले ही ऑप्शंस खोल दिए, अगर मैं ऑप्शंस नहीं भी खोलती तो आपको ये पता था कि मैम कुछ भी हो वहाँ पर वी टू ही आएगा, अब ऑप्शन में जहाँ वी टू लिखा होगा वही मेरा आंसर है। क्लियर है, शॉर्टकट आया समझ में, आया समझ में। जैसे ही कुछ चीज़ें देखो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, आप 100-200% सही हो आप जो करने वाले हो। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो। अब नहीं लेके आ रही मैं ऑप्शन, ठीक है, अब आंसर देना क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा, देखो तो जरा। They dash for Delhi yesterday. Yesterday आ गया, अभी अभी पढ़ा था keywords में कि yesterday ago in 2005 last plus time, ऐसा कुछ भी आता है तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए क्या आता है, past indefinite, और past indefinite मतलब यहाँ पर कौन सा verb आना चाहिए, V2। अब option में जो भी V2 आएगा वो मेरा answer है। देखो पहला has left, नहीं नहीं
V2 तो आया, लेकिन ये V3 है, ये हैज आ गया, नहीं, डायरेक्ट से V2 चाहिए मुझको, है ना। नेक्स्ट आर लिविंग, गलत, ये भी गलत, ये तो V1 है, ठीक है, यह है आपका सिर्फ V2, आंसर हो गया, देख लो। जो मैंने अभी बताया ना, बस उससे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। अगला देखो, ही विल डैश द सेकेंड ड्रेस, ही विल डैश, अरे यार ये तो आपको स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्लास 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चले जाओगे, वहीं आ जाएगा। क्या पढ़ाया था क्लास 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, क्या पढ़ाया था कि विल, अरे विल, शेल या कोई भी मॉडल हो दूसरा, इनके आगे जो भी वर्ब आएगा पहला, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा। ये मैंने आपको 20 में भी समझाया, 21 में फ्यूचर इंडेफिनिट में भी समझाया, 22 कंटिन्यूअस में भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी समझाया। तीन बार मैंने, तीन लेक्चर में अलग अलग इस बात को मैंने समझाया है, चौथी बार फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये विल देखा ना, इसके बाद आपको पता है कि जो भी वर्ब से V1 आना चाहिए यहाँ पे, तो प्योर V1, ठीक है। चलो देखते हैं, चूज, आंसर आ गया, जरूरत ही नहीं, ये V1 है, और जरूरत ही नहीं है आगे की, पर फिर भी देख लो। चूज, ये V2 है, वर्ब का सेकंड, चूज यानी चुनना, ठीक है, सिलेक्ट करना, ठीक है। ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये ING लग गया, प्योर V1 नहीं है ये भी, ठीक है, क्लियर, आंसर अपने आप आ गया आपका, जरूरत है क्या। यही लेवल आपका अपनी एग्जाम में रहेगा, अभी बन रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और खासकर उन्हीं लोगों का बन रहा होगा जो लोग पहले से पढ़े हैं इनको, और या फिर मेरे पिछले 3 लेक्चर पढ़ लोगे ना, दसों के दसों क्वेश्चन बिना किसी मदद के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मेरी भी असिस्टेंस की आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप पिछले 3 लेक्चर और अभी जो शुरू के 5 पॉइंट बताए वो पढ़ लेते, तो इस इन क्वेश्चंस में आपको मेरे असिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अगला, उमेश डैश वेरी फास्ट व्हेन द ट्रैफिक पुलिस ट्राइड टू स्टॉप हिम। अब यहाँ पर उमेश जो है वो डैश वेरी फास्ट, भागा हुआ वेरी फास्ट, जो भी है अपने को आ जाएगा समझ में। जब जब ट्रैफिक पुलिस जो है, जब, व्हाइल नहीं लिखा है, वेल लिखा है, जब ट्रैफिक पुलिस ने ट्राई किया, V2 बोल रहा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। जब ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोकने को ट्राई किया, उमेश जो है वो तेज भागा, वॉज ड्राइविंग, ड्राइविंग, ड्राइव्स, इज ड्राइविंग, क्या आएगा बताओ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भैया, स्ट्रक्चर और यहाँ पे हिंट भी मिली अपने को, एक हिंट यहाँ भी दी गई है और साथ ही में आपको स्ट्रक्चर भी मैच करना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, याद नहीं है, या तो प्लाटून कमांडर का है या शायद जेल पे दी गई है, और या तो SI का है, तीनों में से कोई एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है, उसी को छापा है यहाँ पर। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, सबसे पहले देख लो कि क्या क्या आ सकता है, नीचे से चेक करते हैं। चलो इस ड्राइविंग लिख दूँ, आ तो सकता है, उमेश सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ये आता है, ड्राइविंग आता है, लेकिन यार ये क्या हुआ कि ये पूरा की पूरा आपका प्रेजेंट में जा रहा है और जो दे रखा है वो पास्ट का, ऐसा होता है क्या। जब पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उमेश गाड़ी चला रहा है, ऐसा कौन बोलता है, फिर से सुनो, जब पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उमेश गाड़ी चला रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, ठीक है। एक टेंस इधर, एक भाई टेंस पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही आएगा ना, गाड़ी तेज चला रहा था या जो भी है था में जाना चाहिए ना, तो इसलिए आपका सबसे पहले ये गलत होता है, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में है कि प्रेजेंट है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ड्राइविंग आप लिख सकते हो, लेकिन बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के कोई सेंटेंस देखा कि सब्जेक्ट और डायरेक्ट ING देखा, कभी आपने लिखा ही प्लेइंग, ऐसा लिखा कभी, ही प्लेइंग, आई स्टडी, आई टीचिंग, एम लगाते हो, इज लगाते हो, आर लगाते हो, वॉज लगाते हो, वर लगाते हो, विल लगाते हो, कुछ लगाते हो ना, विल भी लगाते हो, जो भी है, डायरेक्ट ING नहीं आया कभी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आया है, तो डायरेक्ट ING कैसे लिख सकती हूँ, इसलिए ये तो स्ट्रक्चर ही मैच नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर होता ही नहीं, ऐसा होता है क्या, तो ऐसा तो स्ट्रक्चर ही नहीं होता, प्रेजेंट के टेंस आप लिख नहीं सकते, क्योंकि उसने पास्ट की हिंट दे रखी है, ये बराबर दे रहा है, ये मैच हो रहा है, ये अपना हेल्पिंग वर्ब भी दे रहा है और साथ ही में टेंस से भी मैच हो रहा है, इसलिए दोनों की चीज, दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर मैच हो रही है। फिर से बोलूँ क्या, आई बात समझ में, ये दोनों क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट के टेंस है और वहाँ पर हिंट पूरी पास्ट की दे रखी है, आप बोल के देख लो आपको जमेगा ही नहीं, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस वो, ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, बिना हेल्पिंग वर्ब का ING आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता, ठीक है, हटाओ इसको, ये हर तरीके से मैच हो रहा है, टेंस भी पास्ट का है और हेल्पिंग वर्ब भी प्रॉपर आ रहा है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, इसलिए आपका आंसर ये आ गया, हो गया होगा। देखो
रियल एस्टेट प्राइजेस डैश स्टीडीली, स्टीडीली मतलब धीरे धीरे, रियल एस्टेट के प्राइजेस जो हैं वो डैश हो रहे हैं धीरे धीरे। देखते हैं क्या क्या हो रहा है भैया। राइजिंग मतलब बढ़ना 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 बढ़ना, ठीक है, ये बढ़ने के ही सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं। चलो देखते हैं फटाफट, ये आपका क्या है सब्जेक्ट, सबसे पहले तो देख लो क्या बढ़ना, क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है बढ़ना, बढ़ना आपका वर्ब है, और क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सब्जेक्ट है क्या, सिंगुलर है कि प्लूरल, पहले तो ये देखो, सिंगुलर है कि प्लूरल, पहले तो ये देखो, प्लूरल है, कैसे पता चला, प्राइजेस की बात हो रही है, प्राइजेस, इसको देखो, इसको प्लूरल है। अब जितने भी सिंगुलर वाली चीजें उसको उड़ा दो, उड़ा दिया। अब सुनो बाकी ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। होता है क्या कि सब्जेक्ट लिखा है उसके जस्ट बाद आईएनजी लिख दिया, अभी लिख के बताया था, ही प्लेइंग होता है क्या, या सब्जेक्ट लिखा उसके जस्ट बाद ही वी3 आ गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं है, ना तो मैंने आपको अभी बताया है ना मैं अभी आगे बताऊंगी, जब अपन नरेशन वॉइस पे चलेंगे वहां भी नहीं होता ऐसा, ठीक है, तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होते, अपन ने पढ़े ही है क्या, पढ़े ही नहीं है ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। वी3 भी आएगा अभी आगे, लेकिन हैज हैव हैड के साथ आएगा, ऐसे ही नहीं आ जाएगा सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वी3 आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये तो होते ही नहीं है, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं होता, ये होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट का सॉरी क्योंकि वो आपका प्लूरल है और ये क्या है सिंगुलर, वो आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है सिंगुलर है, इसलिए ये पूरा मैच हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोल रहा है कि रियल एस्टेट के जो दाम है, जो प्राइजेस हैं, वो धीरे धीरे स्टीडीली बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, जो मैच हो रहा है वो आपका ये आंसर है। फिर से बोल रही हूँ, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, ये सिंगुलर है, हटाओ, और ये दोनों स्ट्रक्चर होते ही नहीं है। आगे बढ़िए, इसमें एरर है तो बताइएगा, है ना, ये गलती से बड़े बड़े हो गए, ये छोटा कर देना भैया, गलती से बड़े हो गए, ये एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अ बैड ट्री डज नॉट यील्ड गुड एप्पल्स, एक बुरा ट्री अच्छे सेब नहीं दे सकता, मतलब ट्री पेड़ खराब है तो अच्छे फल नहीं आ सकते, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अपना जो हीरो है वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो, और एक बात और ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रही हूँ, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है, वो नोट करना, मैं भूल गई थी बताना, ध्यान नहीं था शायद, मुझे मिस हो गया, बताती हूँ। पहले तो इसको देख लो, क्या सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इनने क्या लिखने की कोशिश की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज लगाया, वो भी बढ़िया है क्योंकि सिंगुलर है ना, लेकिन इन्होंने क्या करा कि डज के बाद यील्ड करना मतलब प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, देना, यील्ड करना मतलब ये वर्ब होता है, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, देना, ठीक है। अब डज के बाद जो वर्ब आ रहा है उसमें एस लगा हुआ है, यहाँ पे गलती हो जाती है, आंसर आपका क्या आ जाता है, बी। कैसे, आपको मैंने पहले तो क्लास 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ाया है कि डू, डज और डिड जब हेल्पिंग वर्ब बन के आते हैं तो इनके जस्ट बाद आने वाला वर्ब प्योर V1 होना चाहिए, तो ये एस क्या कर रहा है यहाँ पर, यील्ड होना चाहिए, ठीक है, पहली बात हो गई, ये तो क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट से वो क्लियर हो गया, इस कॉन्सेप्ट से वो क्लियर हो गया। अब मैं कुछ एक चीज़ बता रही हूँ जो मुझसे मिस हो गई थी कॉन्सेप्ट में, अभी बता देते भैया, तो टेंशन मत लेना कि मैम से मिस हो जाता है, अपन जब सारे क्वेश्चंस करेंगे ना जेल प्रेरी के, तो अगर कुछ छूट रहा होगा तो वहाँ कवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपना ये है कि जब भी हम यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ बोलते हैं, यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य या ऐसी कोई बात जो सब मानते हैं, जिसको कोई नकार नहीं सकता, और जो कोई पर्सनल बात नहीं है, उन सब में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज होता है। कौन सा टेंस अपना, वो डू डज वाला टेंस, कौन सा टेंस अपना, V1 प्लस SES V1 वाला टेंस, ठीक है। फिर से लिख लो, अभी नोट करो, अभी मेरे से मिस हो गया था ना इसलिए बोल दो, अभी नोट करो, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ मतलब ऐसी बातें जो सर्वमान्य है, जो सबको माननी पड़ेगी, आपके पर्सनल ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही जाती है। अब एक बात बताओ, इस सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस क्या किसी की पर्सनल लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो जाता है रोज स्कूल जाता है, वो ये करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा कुछ बात हो रही है क्या, वो ये करता था, ऐसी कोई बात हो रही है क्या, नहीं, ये एक ऐसी बात है जो यूनिवर्सल है, एक ये इसके पीछे एक मीनिंग छुपा है, एक सीख छुपी है कि एक बुरा पेड़ अच्छे फल नहीं दे सकता, ये एक कहावत जैसा है, एक डिक्टम है, डिक्टम इस कहावत होता है, ठीक है।
तो ऐसी बातें जो सर्वमान्य है, आप बोले नहीं मैम वो तो दे सकता है, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, आपके बोलने से ये कहावत चेंज नहीं हो जाती, ठीक है, आपके बोलने से ये लाइन चेंज नहीं हो जाती कि सूर्य जो है वो ईस्ट से उगता है, ये चेंज नहीं हो जाता, नहीं मैम ईस्ट नहीं वैसे भी उगा सकते हम, उससे नहीं होता। आर्य बात समझ में? तो ये वो वाक्य होते हैं जो सर्वमान्य होते हैं, ऐसे ट्रुथ जो आपको मानने ही पड़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है, इसमें ये वाली बातें आती है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सब चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं, आप बदल नहीं सकते, आपकी सोच से कुछ नहीं होगा, वो आपको सब ऐसे सोचेंगे कि अरे यार क्या बातें कर रहा है कुछ तो भी, ठीक है, जो सब मानते हैं ऐसी बातें। या फिर प्रोवर्ब्स और मुहावरे लोगों की आप बोलते हैं वो आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं, जो जो बोओगे वही काटोगे, तो आप सोचे नहीं मैम अब चेंज करना चाहिए मेरे को, अब ऐसा लगता है जो काटोगे वही बोओगे, नहीं जो है वो है, आपके बोलने से वो कहावत चेंज नहीं हो जाएगी सिर्फ पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। अरे बात समझ में? तो ये कुछ प्रोवर्ब्स हो जाते हैं, मुहावरे लोगों की या ऐसी कोई बातें जो सर्वमान्य हैं, जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, अब आप इसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल बात है, कोई आपकी पर्सनल लाइफ की बात थोड़ी है। तो ये जो बातें होती हैं, अब आप समझ गए ना, कुछ एग्जांपल्स में देती जा रही हूँ, तो ये सारी बातें कायम में जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाती है, इसीलिए इसने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा है। वो तो क्या है कि डज था मैम और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं था, इसलिए यहाँ पर गलती निकाल दी, डज था और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं था तो यहाँ गलती निकाल दी। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल भैया स्नैपशॉट ले लो कुछ लेना है तो, क्योंकि आगे जो बात बताने जा रही हूँ उसमें हटाना पड़ेगा, जल्दी से ले लो, ठीक है। लेकिन मान लो आगे जो बात बोल रही हूँ कंटिन्यू कर रही हूँ, कि अगर यहाँ पर यील्ड ही लिखा होता, ठीक है, और डिड लिख देती मैं, ठीक है, यील्ड लिखा होता और डिड लिख देती, तो ऐसे तो सब सही है कि ये आपका सिंगुलर है और इसने पास्ट इंडेफिनेट लिखने की कोशिश की है, तो इसने डिड का यूज़ करा, डिड के साथ बराबर वी वन भी यूज़ करा और बाकी सब भी ठीक है, इसलिए सब सही, नो एरर। ये नहीं करना, क्योंकि आप इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर जनरल ट्रूथ मान लो, ठीक है, एक सीख है इसके पीछे, सबके लिए है, आपके बोलने से मतलब ये ओवरऑल मान्य है, सर्वमान्य है, इसलिए ये टेंस ही गलत है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए था, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए था, किसी भी हालत में यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए था, ठीक है, क्यों होना चाहिए था बता दिया, अभी रुक के बताया, ध्यान रखना है ना, इसको नोट कर लेना, आगे भी काम आएगा आपके। नेक्स्ट पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, एरर है तो निकालिए ना। She goes, ये टू और ये नेक्स्ट वीक, ये छोटा लिखना है ना, पूरा एक ही वाक्य है वो, She goes to Mumbai next week। अगर यहाँ कोई गलती है तो निकालो, नहीं तो नो एरर पे आंसर डालना, अगर यहाँ कोई गलती है तो निकालो, नहीं तो नो एरर पे आंसर डालना, या आपको पहले पॉज करो और आंसर दो फिर मैं बताऊँगी, ठीक है, पहले पॉज करो और आंसर दो फिर मैं आंसर दूँगी जल्दी से। अब देखो तुम्हारा सोचने का तरीका क्या था, वो तो अभी मेरी बातों पर जिनने ध्यान दिया वो तो सही कर दिए होंगे, लेकिन उसके भी पहले अगर मैं ये क्वेश्चन दे देती तो गलत कर देते। कैसे? सबसे पहले आप पढ़ रहे हो शी गोज, अरे शी सिंगुलर है और गो में ई से बराबर चल रहा है, टू मुंबई, ठीक है, नेक्स्ट वीक, अरे नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर, अब आपका दिमाग जो सोचना शुरू कर रहा है वो बता रही हूँ, नेक्स्ट मतलब क्या, अगला मतलब फ्यूचर की प्रेजेंट की पास्ट बताओ, अगला मतलब नेक्स्ट मीन्स वॉट, फ्यूचर प्रेजेंट की पास्ट फ्यूचर, सही बोल रही हूँ, फ्यूचर। अब जैसे तुम्हारे पहले तो नेक्स्ट तुमने पढ़ा, तुम्हारे नेक्स्ट पढ़ते से ये दिमाग में आया, प्रेजेंट पास नहीं आएंगे दिमाग में, और ये जैसे पढ़ोगे अगली चीज़ जो दिमाग में आएगी सीधी सीधी वही आएगी, सही बोल रही हूँ, और जैसे ये चीज़ दिमाग में आएगी अब जल्दी से रिवर्स मारोगे, देखो अरे शी विली नहीं लगाया, यह आंसर है, यह आंसर है, यही करोगे, सही बोल रही हूँ, आप आंसर ए को निकाल लोगे, ये गलत है, ये आंसर गलत है, आपका आंसर है डी, नो एरर। कैसे? इस लेक्चर के शुरू में जाओ, जो 5 पॉइंट दिए थे मैंने आपको, उस 5 पॉइंट के आखिरी में जाना, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर फ्यूचर इंडेफिनेट है तो वो, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखते हो तो वो गलत नहीं हो जाएगा, उसके इक्वल में ही होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखते हो तो भी गलत नहीं हो जाएगा, उसके इक्वल में ही होता है, उसने नेक्स्ट वीक लिखा, और ये इसको देखो क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस गोज वर्ब में एसईएस तभी लगता है जब प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ किया ना उसने, तो मान लिया है ना उसने, तो माना है कि फ्यूचर इंडेफिनेट के बराबर ही मानूंगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो जब दिक्कत नहीं, आप गलत किस बेस पर कर रहे हो, आप गलत कैसे बता रहे हो उसको, जब उसने बोला है कि ये बराबर है, ठीक है, तो मैं बार बार बोलूँ पढ़ाते वक्त भी कि गलत नहीं करना है, ठीक है। जिनको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, इसी लेक्चर को रिवर्स मारना, शुरुआत में 5वें पॉइंट पर जाना, जब मैं समझा रही थी उस 5वें पॉइंट पर जाकर देखना, इसकी पूरी समरी मैंने वहाँ पर दी है, गलत नहीं करना है, क्योंकि उसने मान लिया है
कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट के अर्थ में यूज किए जा सकते हैं, तो फिर गलत क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर गलती नहीं है, आपका आंसर जो है वो डी है, नो एरर, क्योंकि नेक्स्ट वीक है मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट की जगह उसने प्रेजेंट इंडेफिनेट लिख दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर जाकर अगर आपको इतना सब कुछ आ गया है, टेंथ तक आप आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आप जेएल प्रेरी के टेंथ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जेएल प्रेरी के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर पूरी तरीके से हो रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर अपने जो टॉपिक चल रहा है ना टेंथ, उसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। अब अगले 3 लेक्चर सेकेंड हाफ कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बाद ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस तीसरे लेक्चर में लेंगे, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस शुरू होंगे जेएल प्रेरी के टेंस के। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको सबसे लंबा चलाया है। आपको पता है अच्छे से कि इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, MPSI हो चाहे JPO, कोई सी भी एग्जाम हो, टेंस में से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए अपन इसको आराम से इसको लेकर चल रहे हैं, पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, तो फिर से अगली 2 क्लासेस उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता, स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, कुछ बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती जाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर से ऐसा कोई सा लेक्चर लेंगे। क्लियर, तो अगली बात मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पेड कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप डायरेक्ट ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर है और ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, कॉलिंग टाइम आपका ध्यान रहे, आपका मंडे टू सैटरडे 10 to 5 ऑफिस टाइमिंग में आप कॉल कीजिए, उसके अलावा कॉल अटेंड नहीं होता है तो फिर आप कंप्लेन करते हैं। ठीक है, लेक्चर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं आप अभी कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। कल मिलते हैं, आपको इतना पढ़ के आना है, कल इसी से आगे अपनी क्लास चलेगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।